never slow up. No, I don't take shit. I got no love. अरे यार, इसको भी धुलाना पड़ेगा, बहुत गंदी हो रही है। ओए है, क्या पहले थे, धुला के लो। देखो गाइस कितनी गंदी हो रही है। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी, अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, हाँ 9:41 हो चुके हैं गाइस। हम बहुत लेट हो रहे हैं, 9:30 का टाइम दिया गया था, जो कि अभी तक हम आपके सामने हैं, तो अभी बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं गाइस। अभी नीचे भी फैमिली तैयार हो रही है, बहुत जल्दी चलते हैं। एक मिनट, छोटा सा काम है वो करने जा रहा हूँ, तो इसलिए अभी 11:05 हो गए गाइस, बहुत लेट हो गए। अभी चलते हैं शादी के लिए, घर से मैं निकल गया हूँ भाई। सड़क पर कोई नहीं दिख रहा, अभी 11 बजे यार, अभी देख रहे हो भाई, दूर दूर लोग कोई नहीं है, देख रहे हो भाई, रोड पे कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी। तो गाइस अब पहली बहुत लेट हो चुकी है। आ तो गए गाइस, लेकिन बहुत लेट हो गए, सब कुछ खत्म थे, लेकिन ये पेट पूजा मैंने करके तब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू करा। अभी टाइम हो रहा है 11:25, तो गए अभी थोड़ी देर में, बस अभी लड़की डोली वोली जो भी कुछ रीति रिवाज है वो होके भी थोड़ी देर में हम भी घर चल पड़ेंगे भाई। शादी से हम अपने घर के लिए वापस जा रहे हैं, टाइम हो गया है 12:45, बस 5 मिनट की दूरी पे घर है, घर पहुँच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और हाँ गाइस, अभी मुझे भाई का फ़ोन आया था कि 1:30 या 2 बजे के आसपास बड़े भाई को दिलशाद गार्डन, थोड़ा मतलब दूर है 11-12 किलोमीटर अपने लोकेशन से, वहाँ से भाई को पिकअप करके लाना है, और कुछ दिन के लिए स्टे रहेंगे घर पे, तो उनको भी पिक करने जाना है दिलशाद गार्डन, मतलब आज रात ही करना है जो भी करना है। आज घर पे हम अकेले हैं क्योंकि हमारी मैडम अपने घर जा चुकी हैं कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, तो घर पे भी कोई नहीं होगा तो कुछ टाइम के लिए। अभी जैसे कि 12:45 हो ही रहे हैं, 1:30 बजे के आसपास हो सकता है मुझे घर से दोबारा बाहर जाना पड़े भाई को लेने के लिए, तो अभी कोट पैंट पहने हुए हैं, ड्रेस चेंज करके बड़े भाई को लेने चलेंगे फिर। भाई साहब अभी रात के बज रहे हैं, अभी भैया 1:14 गाइस, ये कोई भाई से बात हुई थी, वो कहते 3 या 3:30 बजे आऊँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डायरेक्टली घर जाऊं। तो भाई देखो सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही है मेरे सामने, मेरे पास भाई देखो इस गेट की चाबी भी है मेरे पास, लेकिन ये ताला खुल के नहीं दे रहा है, कम से कम 10-15 मिनट हो गए भाई, मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया भाई, सारी चाबी बदल के देख ली, खुल के नहीं दे रहा भाई साहब। तो भाई जैसे कि अभी 2:30 बजने वाला है, हम घर से बाहर निकल रहे हैं बड़े भाई को लेने के लिए, वो मिलने वाले हैं दिलशाद गार्डन पर, तो अभी चलते हैं बड़े भाई को लेने के लिए। तो गाइस ठीक 2:31 पे चल चुके हैं बड़े भाई को लेने के लिए, और मुझे लगता है बीच में पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। अभी हो रहा है हमारा किलोमीटर 15,772 किलोमीटर, तो गाइस इसको हो सकता है पेट्रोल भी डलवाना पड़े, देखते हैं, जो तो पड़ेगी तो ठीक है डलवा लेंगे, नहीं तो सुबह पेट्रोल पंप पे जाकर डलवाएंगे। अभी चलते हैं बड़े भाई को लेने के लिए, लेट्स कंटिन्यू। मुझे नहीं मालूम कितनी आवाज आ रही होगी क्या नहीं गाइस, रात में गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है भाई साहब। 2:30 बज रहे हैं रात के और कोई नहीं है, कितना मजेदार है भाई साहब, एक नंबर भाई, मजेदार एक नंबर। वो देखो गाड़ी की लाइट यार, टू व्हीलर की कितनी तेज लाइट है यार, बिल्कुल ना तो डीप नाइट में भाई एक नंबर दिख रही लाइट, एक नंबर भाई, पता नहीं कैमरे में इतना पता लग रहा होगा क्या नहीं लग रहा होगा। और हाँ गाइस मैं विदाउट हेलमेट जा रहा हूँ क्योंकि हेलमेट मेरे शॉप में दोनों हेलमेट बंद है, एक पिताजी का भी है एक मेरा भी है, जो कि दोनों हेलमेट बंद है, तो मुझे बिना हेलमेट के जाना पड़ रहा है। ओ
भाई देख रहे हो भाई कितनी तगड़ी लाइट जल रही है। ये अपना न्यू बस स्टैंड, ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है न्यू बस स्टैंड का। भाई लाइट कितनी तेज है भाई साहब, दूर से दिखाई दे रही है भाई दूर से। अरे भाई साहब देखो भाई, इंडियन फ्लैग वाली लाइट जल रही है, पता नहीं कैमरे में पता लग रहा है नहीं लग रहा है। भाई अपना गाजर बहुत डेवलपमेंट कर रहा है भाई, बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। Descriptive like an adjective, I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Oh boy. यार मैंने कहा ना ये टाइम ऐसा है, इसमें डे और नाइट दोनों काम देखने को मिलेंगे। अभी बताओ एक गाड़ी भाई पेट्रोल पंप पे शायद पता नहीं कितना पेट्रोल भरवाया कितना नहीं, भाई एकदम से वो भाग गया यार। बताओ वो सारा पनिशमेंट मिलेगा भाई उसको, शायद वर्कर को। हालांकि वहाँ कैमरे लगे होंगे, कैमरे पता लग गया होगा तो भाई किसी को क्या कहा जाए यार, गलत बात है यार। For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to see. So guys, अभी हमारी गाड़ी चल रही है स्पीड 40 की। गाइज अभी पेट्रोल भी डलवा लिया है और पेट्रोल पंप पे वीडियो बना रहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने बनाया नहीं। मैं नाइट का टाइम है यार, पेट्रोल मिल जाए वही बड़ी बात है नाइट में, तो अभी कंटिन्यू जर्नी करते हैं। बस पेट्रोल डलवा लिया है फुल टैंक और 2:50 हो रहे हैं, फिर जर्नी कर रहे हैं और हम दिलशाद गार्डन पहुंचने ही वाले हैं। भाई ये आ गए हम दिलशाद गार्डन। ट्रैफिक है, कैमरा बंद करना पड़ेगा, स्कूटी संभालनी पड़ेगी। मैं दिलशाद गार्डन पहुंच चुका हूं, अभी आपको मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूं। और अभी बड़े भाई को मैंने यहां पे रुक के फ़ोन किया था तो बड़े भाई ने बताया कि बस जो आ रही है वो कश्मीर गेट से होती आ रही है। वजीरा दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, ये वो रहा अपना दिलशाद गार्डन। तो अभी क्या है, हमें आगे जाना पड़ेगा, हमें आगे जाके जो रेड लाइट आपको आई थिंक दिखाई दे रही होगी वहाँ रेड लाइट से खड़े हैं इस रोड पे, तो हमें फ्लाईओवर ये चल रहा है ना, इस फ्लाईओवर के नेक्स्ट उधर जाना पड़ेगा। और जो कि हमें जाना पड़ेगा ये रोड के उस पार से जाना पड़ेगा, उस रेड लाइट से रोड के उस पार जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं आ गया हूँ रोड के सेकंड साइड, तो अभी सामने फ्लाईओवर आ रहा है, फ्लाईओवर से हमें नीचे रहना है क्योंकि जो बस आएगी वो नीचे से आएगी। ओहो गड्ढा, तो गाइस यहाँ पे थोड़ी रोशनी ज़्यादा है तो यहीं रोक लेते हैं, आई थिंक ये सीएनजी पंप ही है, तो यहाँ रोक लेते हैं, करते हैं भाई का वेट। तो गाइस हम दिलशाद गार्डन के फ्लाईओवर के डाउन एरिया में बैठ के वेट कर रहे हैं कब बस आएगी और हम कब बड़े भाई को पिक करेंगे। अभी जो टाइम हो गया है हाथ से फोन छूट गया था, अभी जो टाइम हो गया है वो मैं आपको दिखा दूं, 3:19 और गाइस हम वेट कर रहे हैं। आप देखो कितना टाइम लगता है कितना नहीं, क्योंकि यार ट्रांसपोर्ट है, मेन बात ये है कि दूसरे के हाथ में हैंडल है, कहाँ मोड़ दे कब मोड़ दे कितना टाइम लगे कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मुझको अपना व्हीकल पसंद है। अपने हाथ का स्टेयरिंग कहीं भी रोक दो, कहीं भी मोड़ लो, कुछ भी कर लो, और दूसरे के हाथ में एक तो डर लगता है और फिर उसके मन मर्जी से चलना पड़ता है, जो कि मुझको पसंद नहीं है। अब देखो कितना टाइम लगता है कितना नहीं। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 3:24 और अभी बड़े भाई का फ़ोन आया था कि जो फ्लाईओवर के नीचे पेट्रोल पंप है वहाँ पे बस नहीं रुकेगी, जहाँ से फ्लाईओवर शुरू हो रहा है मतलब कि ये सड़क अलग जा रही है और वो फ्लाईओवर की सड़क अलग जा रही है, तो गाइस बस यहाँ पे रुकेगी। बड़े भाई का वेट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, जैसे आएंगे तुरंत मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा।
भाई लग तो ये रही है देहरादून। हाँ यही है भाई, यही है, यही है, यही है। निकाल लो, मैं दूर से देख लिया था देहरादून दिल्ली लिखा हुआ था ना डिस्प्ले पे, तो बड़े भाई आ चुके हैं, चलो इनका बैग उठाते हैं और चलते हैं आगे। ये आगे कहाँ जा रही है, आगे कहाँ जा रही है, हैं? अभी मैंने पूछा आगे कहाँ जा रहे हो। हाँ तो कह रहा डिपो है यहीं पे, राजबाग मेट्रो स्टेशन यहीं खड़ी हो जाएगी, उनका स्टेशन है। मैं तो नीचे थे, ऊपर से कहाँ जा रहा है। आज इतने कबूतर उड़ा दिए। चलो गाइड, सारी सवार कश्मीरी गेट की थी, कश्मीरी गेट की। चलो गाइड नहीं, आ जाओ। सुबह 4 बजे आने के बाद मैं कब सोया मुझे खुद को नहीं मालूम लगा, और अभी सो के उठाऊं और अभी टाइम हो गया है 1:50। इस ब्लॉग को मैं एंड करना भूल गया था, तो अब उठाऊं तो अब ब्लॉग को एंड करते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टाटा बाय बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this